नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित राम दुबे आप सबकी समकक्ष शुक्र ग्रह का प्रभाव लेके आया हूँ, भाव ग्रस्त प्रभाव को लेके उत्पन्न हुआ हूँ। आइए जानते हैं शुक्र ग्रह दूसरे भाव में अगर स्थित हैं तो क्या फल प्राप्त होता है। तो देख लीजिए आप सब, ये लग्न के साथ दूसरा जो है वो भाव है, न कि इसको राशि स्थित मानिए, ये भाव स्थित है। तो भाव स्थित में जानते हैं, दूसरे घर में अगर शुक्र बैठे हैं तो धन भाव में बलवान शुक्र हो तो जातक धनी होता है। बनाव जो कि श्रृंगार जेवर कपड़े आदि का भी शौकीन होता है। ऐसा शुक्र यदि शनि या चंद्रमा की शुभ दृष्टि में हो तो जातक मित्रों के सहयोग में व्यापार करके धन संचय कर लेता है। धन भावस्थ शुक्र से प्रभावित जातक मौज मस्ती शौक के कार्यों में अधिक व्यय करता है, लेकिन संपत्ति नष्ट नहीं होती। अगर अग्नि तत्व राशियों का शुक्र धन भावस्थ हो तो जातक के लिए नौकरी शुभ रहती है, उसे पूर्वार्जित संपदा मिलती है, लेकिन व्ययशील स्वभाव के कारण वह शीघ्र ही उसे समाप्त कर देता है। शुक्र पृथ्वी तत्व राशि में हो तो जातक को पूर्वार्जित धन नहीं मिलता। ऐसा जातक व्यापार की अपेक्षा नौकरी ही करना पसंद करता है। पत्नी के प्राय रोगी बनी रहने से धन को डॉक्टर ले लेते हैं, डॉक्टरों के खर्चे में लगा देते हैं। हाँ, ऐसा जातक स्त्रियों के माध्यम से धन संचय अवश्य करता है। धन की स्थिति सुदृढ़ नहीं होती। जल तत्वी राशि में शुक्र के होने से जातक व्यापार में उन्नति कर लेता है, लेकिन संतान की चिंता के कारण दुखी रहता है। पृथ्वी तत्वी राशि में शुक्र हो तो जातक लेखक होता है, लेकिन ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता है। मित्रों, ये मैंने आप सबको दूसरे भाव में शुक्र के रहने से क्या प्रभाव होता है उसके विषय में बताया। आइए जानते हैं तीसरे घर में, अगर तीसरे भाव में शुक्र हो तो जातक की रुचि कवि गायन चित्रकला या कलाकार बनने की रहती है। ऐसे जातक आनंद मग्न रहता है और उसे अच्छे मित्र भी मिलते हैं, प्रभाव अधिक पड़ते हैं। प्रायः शुक्र सहजस्थ होकर शुभ फल नहीं देता है। शुक्र से प्रभावित जातक अत्यंत कामी होता है, ऐसे जातक में शौर्य नहीं होता है, फलतः शत्रु के सम्मुख टिक नहीं पाता। यदि शुक्र अशुभ प्रभाव में हो तो जातक को वैवाहिक सुख से हीन कर देता है। विवाह में व्रत की विघ्न बाधाएं आती है, पत्नी पूर्व विवाहित मिलती है या पत्नी से मनमुटाव चलता रहता है। अधिक आयु की स्त्री उसे अधिक पसंद होती है। इस प्रकार स्त्री सुख के मामले में तीसरे भाव का शुक्र प्राय अशुभ ही रहता है। स्त्री राशि में होने से स्त्री भले ही साधारण और व्यवहार शून्य होती है, लेकिन जातक उससे ही संतोष कर लेता है। धन के प्रश्न को लेकर भी ऐसे जातक प्रायः चिंतित रहते हैं। तीसरा भाव जो है शुक्र बधिरता रोग प्रदान करता है, अतः मध्य आयु के पश्चात श्रवणाशक्ति क्षीण होनी आरंभ हो जाती है। और चंद्रमा से अशुभ योग हो तो जातक बहरा हो जाता है। तो मित्रों, ये शुक्र से के प्रभाव को मैंने बताया। आगे आने वाले वीडियो में आप सबको और जानकारी प्राप्त कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।